हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल फंक्शन पर। फिर आपके लिए एक और फ्रेश वीडियो लाया दोस्तों। आज बात करेंगे कि जो फ्रिज होता है कंपनियों का, कोको कोला, पेप्सी या आइसक्रीम का, वह दुकानदार को कैसे मिलता है या दुकानदार उस कंपनी से कैसे लेता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं किराना स्टोर पर जनरल स्टोर से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ। अब बात करें दोस्तों, जैसे आपको कोकोला कंपनी का फ्रिज लेना है कंपनी से, तो आप कैसे संपर्क करेंगे? तो जहाँ भी आपकी दुकान है वहाँ के आपको कोकोला कंपनी का जो डीलर है उससे बात करनी होगी फ्रिज के लिए। और फ्रिज के लिए बात करोगे तो वह आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए लगेंगे, जो आपको देने होंगे उस डीलर को। यदि आपको फ्रिज चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड, और आपको दो चेक देने होंगे और एक दुकान का बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा आपको, कि आपकी दुकान का ये प्रूफ माना जाएगा और चेक आपकी सिक्योरिटी जमा होगी। तो ये चार डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे डीलर को, और वो जमा करेगा डीलर और कंपनी में भेजेगा, और उसके माध्यम से वो फ्रिज आपको आपकी दुकान पर प्रोवाइड कराएगा। इसमें समय लग सकता है 1 से 2 महीने का दोस्तों। और इसमें कंपनी की पॉलिसी होती है दोस्तों, जैसे आपको फ्रिज मिलेगा कोकोला कंपनी का, तो आपको कंपनी से माल भी ख़रीदना होगा। और कंपनी से माल ख़रीदना होगा जो कंपनी आपको बोलेगी ये आपको इतनी क्रेटें ख़रीदनी है ये की, तो आपको वो ख़रीदनी होंगी, ठीक है दोस्तों। और कंपनी की एक और पॉलिसी रहती है कि यदि आपको कोकोला कंपनी का मिला है या पेप्सी का, तो उसी कंपनी का आपको प्रोडक्ट उस फ्रिज में लगाना है। जैसे आपका कोक का फ्रिज है तो कोक का ही माल आप बेचोगे, ये कंपनी की पॉलिसी है, ठीक है दोस्तों। यदि इसके बाद कहीं आप सोच रहे हो कि फ्रिज में हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई कौन देखने आ रहा, तो कंपनी के जो सुपरवाइज सेलमैन होते हैं वो समय समय पर आते रहते हैं कि फ्रिज में आपने क्या लगा रखा है क्या नहीं लगा रखा है, तो वो फ़ोटो भी खींच के ले जाते हैं और कंपनी को भेजते हैं कि ये दुकानदार ने ये माल लगा रखा है। वैसे कई दुकानदार दूसरा माल भी रखते हैं, क्योंकि रोज़ देखने नहीं आते हैं, वो महीने में 2 महीनों में आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपको ये मिल जाएगा फ्रिज। और जो आपका दो चेक लगेंगे इसमें, एक तो चेक आपका वेरीफाई के लिए लगेगा कि आपका चेक सही है कि गलत है 100 रुपये का, दूसरा चेक आपकी सिक्योरिटी जमा होगी, जो कि जैसे 10,000 या 15,000 20,000 का जितने हिसाब से जो आपका फ्रिज आएगा उसकी सिक्योरिटी जमा होगी, ठीक है दोस्तों। और जो माल खरीदोगा उसको अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा, जो आपको माल देगी कंपनी उसका माल को पैसा देना पड़ेगा। सिक्योरिटी दोस्तों इसलिए देनी होती है कि कभी भविष्य में आपको दुकान बंद करनी हो या आपने किसी दूसरे व्यक्ति को बेचनी हो, तो फ्रिज आपको वापसी करना है यदि डीलर को, तो आप उससे संपर्क करेंगे कि भाई मुझे फ्रिज वापस करना है, तो कंपनी आपसे फ्रिज लेगी आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो आपके पास होंगे, उसको वो कंपनी भेजेगी, तो आपको वो आपको पैसे मिल जाएंगे जो आपने चेक में दिए थे। तो इसमें एक प्रकार से ये आपको फ्री मिलता है, यानी कि इसका मतलब कह लीजिए आपको, जैसे अपन मकान सिक्योरिटी पे लेते हैं, इससे किसी से 5 लाख रुपये दे के अपन उसमें रहते हैं, जब अपन खाली करेंगे तो वो पैसे देगा, यानी फ्री में हमको यानी किराया नहीं भरना होता। उसी प्रकार ये पॉलिसी होती है दोस्तों, इसमें खाली अपन को बिजली का बिल भरना होता है जो दुकान का चलता ही है, जैसे डी फ्रिज अपना ही होता है, लेकिन ये फ्रिज हमको एक तरह से फ्री पड़ता है। और इससे क्या होता है दोस्तों, कंपनी का जो फ्रिज होता है ये काफ़ी अच्छा होता है, लुक अच्छा लगता है, इसमें जो माल अपन रखते हैं इसमें खड़ी बोतलें आती हैं, और इसमें डिस्प्ले का और लाइटिंग का सिस्टम आप देखोगे वीडियो में, तो काफ़ी अच्छी होती है और माल भी ज़्यादा सेल होता है, क्योंकि जैसे दिखता है वैसा बिकता भी है माल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसमें दोनों का ही फायदा है, कंपनी का भी फायदा है और आपका भी फायदा है, कि आप कंपनी का माल बेचोगे तो कंपनी का भी फायदा है और आपको भी कंपनी प्रॉफिट दे रही है, क्योंकि फ्रिज भी दिया आपको और आप उसका माल बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये ए क्लास ब्रांडेड कंपनियां होती हैं और माल काफ़ी ज़्यादा बिकता है गर्मियों में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्जिन भी होता है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक में। तो दोस्तों वीडियो में इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपकी यदि दुकान पर फ्रिज है तो आपको वो कैसे मिला ये भी बताइएगा, और किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।